नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ नीट एडमिशन। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो फोकस्ड है केरला स्टेट के ऊपर। केरला स्टेट में एमबीबीएस एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या यहाँ पे कट ऑफ जाती है कॉलेजेस की, क्या फीस है और किस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। हम इस चैनल पे लगातार लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशंस के ऊपर वीडियो डालते हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस पे वीडियो डालते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल सीट अलॉटमेंट हम आपको गाइड करेंगे, आपके मार्क्स, कैटेगरी, डोमिसाइल और बजट के हिसाब से पूरे भारत में कहाँ पे आपके मतलब का आपको कॉलेज मिलेगा या हम आपको सजेस्ट करेंगे और काउंसलिंग में आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। केरला स्टेट में पूरे भारत में सबसे मिनिमम फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट कॉलेजेस की। यहाँ पे फीस जो है वो 7 लाख, 7.5 लाख, 6.5 लाख ऐसे रेंज में है। 19 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर मैं बात करूँ उनके नाम की, केएमसीटी मेडिकल कॉलेज, पुष्पागिरी मेडिकल कॉलेज, अमाला, जुबली मिशन, मलंकरा, ट्रेवेंकोर, बिलीवर्स चर्च, डॉक्टर सोमरविल, इसके अलावा अल अजहर, श्री गोकुलम, एमईएस, माउंट जियोन, पीके दास, श्री नारायणा, डॉक्टर मुपिन्स एंड अजीजिया मेडिकल कॉलेज और भी एक दो नाम हैं। तो ये टोटल 19 मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे केरला में। जो इनकी फीस है, जैसे मैंने आपको बताया, 6.5 लाख रुपए पर एनम से लेकर के 7.5 लाख रुपए पर एनम तक है। विथ हॉस्टल फीस एंड अदर एक्सपेंसेस ये आपको टोटल पैकेज 45 लाख के आसपास पड़ेगा। एंड कॉलेजेस की अगर मैं रेप्यूटेशन की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपीडी की बात करूँ, हॉस्पिटल में कैसा है, तो वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा केरला में। एजुकेशन की फैसिलिटीज, एकेडमिक्स वगैरह बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। एंड केरला आप बच्चे को बिना किसी संकोच के भेज सकते हैं बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन काफी अच्छा है। आप सभी जानते हैं कि नर्सिंग स्टाफ पूरे भारत में केरला से आते हैं एंड डेफिनेटली अगर वहाँ पे जो नर्सिंग की पढ़ाई या मेडिकल की पढ़ाई अच्छी होती है तभी वहाँ से इतने सारे नर्सिंग स्टाफ आते हैं। तो केरला इज़ अ वेरी नाइस स्टेट टू गो फॉर स्टडिंग मेडिकल एजुकेशन। यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, उनके फैकल्टीज, उनका हॉस्पिटल सभी बहुत ही बढ़िया हैं। 2-4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो थोड़े रिमोट लोकेशन पे हैं, जहाँ पे जाना या जहाँ पे पढ़ाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अदरवाइज 90% ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर वेरी गुड एंड यू कैन गो फॉर देम। और वहाँ पे अगर आपको सीट मिलती है तो एडमिशन ले लेना चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम इज कट ऑफ। कट ऑफ इनका बहुत ऊपर रहता है, 550 से ऊपर ही रहता है। लास्ट ईयर 3rd-4th राउंड तक अगर आप जाएंगे तो 540-545 पे एक आध कॉलेज में कुछ सीटें बची हुई थी। अदरवाइज मैक्सिमम कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वो 560-565 से ऊपर ही रहता है। और अच्छा कॉलेज चाहिए तो 580-590 इवन 600 मार्क्स आपके होने चाहिए तो वहां का टॉप का कॉलेज आपको मिलेगा। सो ये एक ओवरऑल आइडिया मैंने केरला स्टेट के बारे में दिया है। केरला स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन है वो एग्जाम से प्रायर होता है। रजिस्ट्रेशन का डेट कभी भी आ सकता है, एग्जाम से 10-15 दिन, 1 महीने पहले आ ही जाता है रजिस्ट्रेशन। एंड इनका रजिस्ट्रेशन जिन्होंने प्रायर किया है वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन जब भी खुले तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। दिस इज इट इन टुडेज वीडियो। विल कम अप विद मोर रिलेवेंट वीडियोज। नमस्कार।